नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। आरजेडी के नेता हिंदू धर्म और उससे जुड़ी जातियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसी क्रम में विपक्ष कह रहा है कि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक खास जाति को निशाना बनाते हुए कह डाला है कि जिन्हें 10% में गिना जाता है वो पहले मंदिरों में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। उन्होंने भागलपुर में आयोजित जनसभा में यह विवादित बयान दिया है। पहले सुनाते हैं उनका यह बयान। कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबा के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों ने पहले, आजादी से पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत, जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हूं। मैं देख रहा हूं खतियान को देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के अवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से सामाजिक समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया है जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं। वहीं मंत्री आलोक मेहता के बयान पर बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी कोटे के मंत्री जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर समाज को तोड़ने की साजिश रच रहे। वो चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर समाज में वोट बटोरा जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि समाज में जो सामंजस्य है वो वैसा ही बना रहेगा। राजनीति में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बयान राजद के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि ये लोग जाति समाज सबको तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मंत्री रामचरित्र मानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और तीसरा मंत्री आजकल जो बयान आया, उनको ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ और सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त की उत्पत्ति भी यदि पंडित चाणक्य नहीं होते तो नहीं हो सकता था। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से, सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश और सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है कि हम सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार की राजनीति में आजकल हम तो बिहार की सियासत की यह बड़ी दिलचस्प बात है कि बिहार में कभी मुद्दों की कमी नहीं रहती। मुद्दे अगर नहीं भी होते हैं तो मंत्री या नेता या बड़े अधिकारी कुछ न कुछ ऐसा बयान देकर उसे मुद्दा बना डालते हैं। ऐसा ही फिर हुआ है जब मंत्री जी ही साफ एक 10% जाति समुदाय का हवाला देते हुए उस पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिस पर विपक्ष अब आपत्ति जता रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रणव, क्या वाकई में बिहार में ऐसी कोई साजिश हो रही है कि जाति, एक तरफ जातीय जनगणना चल रही है और दूसरी तरफ सीधे समाज को, जातियों को, धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार लगातार यह आरोप लगा रही है?
बिल्कुल, देखिए ये कोई नई घटना नहीं है। बिहार में ऐसा कई बार हो चुका है और कई नेता या फिर मंत्री की बात करें तो इस तरीके के बयान दे चुके हैं। खासकर जदयू की बात करें, राजद की बात करें या फिर खुद बीजेपी की बात करें, तो लगातार उनके नेता हों या मंत्री हों, विधायक हों, कुछ इस तरीके का बयान जरूर दे देते हैं जिसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो जाती है। अभी रामचरितमानस का मुद्दा शांत नहीं हुआ था तो राजद कोटे से एक और मंत्री ने एक बयान दे दिया आरक्षण को लेकर के, उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, आलोक कुमार मेहता ने जो बयान दिया था भागलपुर में, आज उन्होंने उस मामले पर सफाई दी है और उन्होंने संदेश दिया है, कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम वो कहना नहीं चाह रहे थे, हमारे कहने का मतलब कुछ और था। हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि 100% में 99% लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था, उसी बात को कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं उसकी घोर निंदा हो रही है। और बीजेपी इन दिनों मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुद्दा चाहे जो हो, बीजेपी हर मुद्दे को टैकल कर रही है और जमकर सरकार के खिलाफ या फिर सरकार पर निशाना साध रही है। वही हुआ है जब जिस तरीके से कल उनका बयान आया, उसके बाद लगातार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं, खासकर राजद के ऊपर। क्योंकि राजद के पहले जो सिलसिला शुरू हुआ विधायक सुधाकर सिंह से शुरू हुआ, फिर शिक्षा मंत्री पे आया और अब भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता। अमूमन इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद बिहार में एक बार कह सकते हैं कि सियासत फिर से शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी ये सवाल नहीं हुआ है, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि इन दिनों मुद्दा जो भी हो रहा है उस पर चीजें स्पष्ट कर देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन जिस तरीके से आलोक कुमार मेहता ने बयान दिया उसके बाद बीजेपी काफी हमलावर है। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि जदयू या फिर राजद के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जनता भी उनके मामलों को समझ चुकी है। देखिए, जाति आधारित गणना बिहार में हो रही है और पहले चरण का आज कह सकते हैं कि समापन हो चुका है। पहले चरण में घरों पर एक यूनिक नंबर दिया था, उसका आज अंतिम दिन था। लेकिन जिस तरीके से कल बयान आया आलोक कुमार मेहता का, उसके बाद सियासत एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गई और बीजेपी कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही उसे भुनाने का। और जैसे ही आलोक कुमार मेहता ने बयान दिया उसके बाद फिर से बिहार में सियासत शुरू हो गई और बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इसको लेकर के बयान दे रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया और कल हो सकता है कि बीजेपी के और बड़े नेता भी इस मामले को लेकर के कुछ बयान देंगे। बिल्कुल, यानी लग रहा है कि बिहार की सियासत में जाति आधारित बातें और ये जो लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने का प्रयास आ रहा है, उस पर रोक की बातें भी सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर जातियों को लेकर टिप्पणी हो रही है तो लगता है कि जातिगत जनगणना का असर कम ना हो, उसे और तूल देने की कोशिश तो साफ दिखाई दे रही है। प्रणव जी, बिल्कुल, देखिए, जब जाति आधारित गणना की बात हो रही थी बिहार में, जाति आधारित गणना की बात हो रही थी तो सभी जो दल हैं, बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी ने एक साथ सर्वसहमति से इस फैसले को पारित किया था। लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार टूटी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब से बीजेपी का कहीं ना कहीं स्टैंड जो है वो थोड़ा बदल गया था। जाति आधारित गणना जरूर शुरू हो गई थी लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं इसका जरूर रोष दिख रहा था, विरोध दिख रहा था। उनका कहना था कि हमने चीजों को शुरू किया लेकिन अब नीतीश और तेजस्वी सरकार उसको गलत दिशा में कर रहे हैं। पहले खुद बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कोटे से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल वर्तमान में सांसद हैं, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ही कहा था कि उपजातियों की गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश सरकार उपजातियों की गिनती नहीं कर रही है, उसे भी गिनना चाहिए, उसकी भी गिनती होनी चाहिए। हालांकि पहले उनके तरफ से कोई और बयान आ रहा था। तो कह सकते हैं कि जाति आधारित गणना बिहार में चल रही है और इसको पूरी तरीके से मुद्दा बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। यदि कोई नेता मंत्री कुछ भी बयान दे देते हैं तो बीजेपी उसको लेकर के मुद्दा बनाती है और लोगों तक कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे कर रही है कि जाति आधारित गणना हम भी करवाना चाहते थे लेकिन अभी जिस तरीके से जाति आधारित गणना हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। देखिए, जब जाति आधारित गणना का रूपरेखा तैयार हुआ था उस समय एनडीए की सरकार थी, राजद विपक्ष में था, तेजस्वी यादव ने भी सर्वसम्मति से फैसला पारित कराया था और रूपरेखा उस समय तय किया गया था कि किस तरीके से जाति आधारित गणना होगी, क्या कुछ होगा। लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि जाति आधारित गणना कैसे होगी, किस तरीके से हो रही है, मुख्यमंत्री कुछ बता नहीं रहे, अपने स्तर से चीजों को करा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। एक ओर जहां जाति आधारित गणना चल रहा है वहीं बीजेपी इसको पूरी तरीके से बिहार में उठा रही है और लोगों तक कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने का प्रयास जरूर कर रही है कि जो चीजें फिलहाल बिहार में हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। सरकार
पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है जाति आधारित गन्ना को और उसको भरपूर भुनाने का भी प्रयास कर रही है। जी उदय, चलिए प्रणव, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासत कहाँ जाकर थमती है और इस पे क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।